एक्शन गॉड आई एम सो इरिटेटेड राइट नाउ कि मैं बता नहीं सकता क्या करूं मैं साक्षी का कोई इतना रूड इतना मीन इतना बदतमीज कैसे हो सकता है और मेरी मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी है साक्षी के साथ एक सेकंड में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरी लाइफ कैसे टॉलरेट करूंगा समझ सेव मी फ्रॉम क्या कर रहे अक्षत यार जस्ट लुक एट योरसेल्फ अपने आप को आईने में देख आज तो जो कुछ भी है साक्षी के डैड की वजह से तो है दिस इज योर डेस्टिनी जस्ट एक्सेप्ट इट डैड के जाने के बाद अगर मॉम और मुझे किसी ने संभाला है तो रुद्रंतरी तो है अक्षत यार और ऐसे में अगर तेरी और साक्षी की शादी की बात उन्होंने कर ली तो मॉम के पास हां बोलने के अलावा कोई ऑप्शन कहां है राइट पॉइंट इज कि शादी मुझे करनी है मोहम को नहीं और मेरे तो दिल में दिमाग में लाइफ के प्रोसेस में टिफिन वाली लड़की है यार ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हम लोग टकराए थे तब से उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया है मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसी का चेहरा दिखाई देता है उसकी वजह से मैंने आज तक किसी को डेट तक नहीं किया है मैं बस उसके ही वेट करते रहता हूं और इसलिए जब से मैं यहां पे आया हूं मैं उसे खोजते रहता हूं रोज उस लोकेशन पर जाता हूं जहां पे 10 साल पहले हम टकराए थे वो दिन वो पल अपने दिमाग में दोहराते रहता हूं उसकी कोई गलती नहीं थी बदतमीजी मैंने की थी उसके साथ लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद की थी इतना काइंड इतना स्वीट इतना कंपैशनेट कोई कैसे हो सकता है बस उसके इन्हीं ख्यालों की वजह से मैं इतना ड्रीमी सा हो गया हूं जस्ट लुक एट मी कितना शायर टाइप का हो गया हूं मैं गॉड जस्ट वंस प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं होगा प्रॉमिस